हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही सेल स्टार्ट हुआ मुझे काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि यार भाई हमको रियलमी बड्स वायरलेस 2 न्यू लेना था, लेकिन अभी उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमको कौन सा ब्लूटूथ लेना चाहिए, हमको एक बढ़िया सा सजेस्ट करो, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो अभी 1499 यानी कि अप्रोक्स 1500 रुपये है। अब 1500 रुपये की प्राइस में अगर आप उसका लेना चाहते हैं तो फिर सेल का कोई मतलब है नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डीजो का जो नेकबैंड है वो आप ले लीजिए, क्योंकि रियलमी का ही ब्रांड डीजो है और डीजो का जो नेकबैंड है वो बिल्कुल रियलमी बड्स वायरलेस 2 जैसा फीचर्स के साथ में आता है। मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ किस चीज़ का डिफरेंस है। उसके बाद में अगर आप रियलमी वायरलेस 2 न्यू लेना चाहते हैं और अगर आप डीजो लेना चाहते हैं तो कैसे आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि कौन सा हमको लेना चाहिए। और मैं भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रियलमी वायरलेस 2 न्यू लेने के लिए जा रहे हैं और प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है तो कैसे आप उसको छोड़ दीजिए, आप डीजो को ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सेम 90% फीचर्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं पहले आपको फीचर्स बताता हूँ, लास्ट में मैं आपको और एक बार बता दूंगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करें अगर ड्राइवर साइज की, तो ड्राइवर साइज 11.2 mm की दोनों में आपको देखने मिल जाती है। दोनों में आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाते हैं, दोनों के अंदर आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है, सेम बिल्कुल सेम। दोनों के अंदर आपको 88 ms की सुपर लो लेटेंसी मिल जाती है, बिल्कुल सेम 88 ms की सुपर लो लेटेंसी, ब्लूटूथ 5.0, 10 मीटर की वायरलेस रेंज, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। जो प्रोटेक्शन है वो भी IPX4 का आपको देखने मिल जाता है, जो कि वाटरप्रूफ है, आपको IPX4 का देखने मिल जाता है। दोनों में सेम ही आपको इन दोनों में बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 17 घंटे का बैटरी बैकअप आपको दोनों में मिलता है, जिनको अगर आप 10 मिनट चार्ज रखते हैं तो 120 मिनट का प्लेबैक आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। गाइस यहां तक आपने देखा, बिल्कुल सेम आपको फीचर्स वहां पर देखने के लिए मिले हैं। बस इसमें जो चेंजेस है वो ऑडियो कोडेक का है, जो कि आप समझ नहीं पाओगे ऑडियो कोडेक क्या होता है, जिससे कि साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर हो जाती है। तो ऑडियो कोडेक का बस इतना सा चेंजेस है, इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो माइनर सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो इनकी प्राइस में है, जो कि रियलमी न्यू आपको 1500 की प्राइस में मिल रहा है और डीजो आपको ओनली 4999 की प्राइस में देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस अगर आप रियलमी वायरलेस 2 न्यू की जगह अगर आप डीजो लेना जा रहे हैं तो गाइस वो आप ले सकते हैं, सेम फीचर्स आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत बंदे मुझे बोल रहे हैं कि भाई रियलमी वायरलेस 2 न्यू लेना था लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो गाइस आप उसको मत लीजिए, आप डीजो की तरफ चल जाइए, सेम फीचर्स के साथ में डीजो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस वो भी आप ले सकते हैं, 999 की प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आप शॉपसी वाला जो ऑफर है वो इसमें काउंट करवा देते हैं तो अच्छा खासा कैशबैक भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 800 रुपए के समथिंग ही वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं तो गाइस वो आप कर सकते हैं, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर अभी तक यूज नहीं किया है तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर अगर आप यूज करते हैं तो आपको 15% का छूट वहां पर मिल जाती है। तो अगर आप शॉपसी वाला जो ऑफर है वो काउंट करवाते हैं, साथ में पेमेंट अगर आप पे लेटर से करते हैं तो 15% का डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा और साथ में 150 रुपए का कैशबैक आपको यहां पर ये देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि लगभग आपको 300 रुपए वहां पर ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। 1200 रुपए के समथिंग आपका रियलमी बड्स वायरलेस 2 न्यू भी मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो एक अलग से चाहते हैं कि कैसे हमको 1200-1100 रुपए में मिलेगा रियलमी बड्स वायरलेस 2 न्यू, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फुल ऑन वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।